यूपी के रामपुर में 14 जिलों के इंजीनियर और अधिकारी इकट्ठे होकर जिला अधिकारी के आवास पर पहुंचे और रामपुर पुलिस के क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराने की मांग की। डीएम रामपुर में इनकी शिकायत पर एक जांच कमेटी गठित की है। जिसके अगले 48 घंटे में मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। क्या हुआ पूरा मामला आपका? पूरा मामला पहले सीओसीटी द्वारा अवैध तरीके से उठवाया गया, घर से बार बार फोन करके प्रेशर बनाया गया कि आप आइए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। उसके बाद घुसने के बाद उनका अपना कुछ पर्सनल रिवेंज था, उसका कोई कारण भी नहीं पता किस कारण से था वो, और उन्होंने घुसने के बाद ही प्रताड़ना चालू कर दिया और उसके बाद अवैध रूप से धमकी भी दी कि आपकी गाड़ी में चरस रखे, आर्म्स रखे, आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी और आपको जो है जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी नौकरी ख़त्म करवा दी जाएगी और हम तो जो है मालिक हैं, पुलिस वाले हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और तुम नहीं मत है तो कुछ करके दिखाओ और हम जो जो चाहेंगे कर लेंगे। कोई हिम्मत नहीं, अभी गाड़ी में खड़ा रखा 45 मिनट तक। क्या वजह क्या थी बताना? वजह तो वही बता सकते हैं क्योंकि मेरी तरफ से कुछ था नहीं, मुझसे कोई पहले मिला भी नहीं। अच्छा, आप रामपुर में कब से? वजह तो सिर्फ यही थी कि बोल रहे थे कि तुम बहुत चेकिंग करते हो बिजली की, मैं चोरी करता हूँ, 4 AC चलते हैं मेरे घर बिजली चोरी से, आओ किसी दिन चेक करके दिखाओ हिम्मत है तो तुम में। अच्छा, और बिना पुलिस के चेक करके दिखाओ, वहीं मारूंगा भी घर पे और तुम्हें चेकिंग करना भी सिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद क्या, इस घटना के बाद क्या बिजली थानों की बिजली भी काटी गई? 4 थानों की नहीं, कोई बिजली नहीं काटी गई, कल की घटना है ये। कल के बाद अगर आपको लगता है कहीं बिजली कटी है तो बताइए किसी को। आपको मारा जो धमकी दी कब की बात है? कल किस वक्त? कल 4:30 से लेके 8 तक मुझे। अब आप आपके जो संगठन जिम साहब, ये बिजली कर्मचारी का जो मामला है सीओ साहब का, क्या है पूरी घटना? एक विद्युत विभाग के AE असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा शिकायत दी गई है और उसमें ये बताया, ये कहा गया है कि यहाँ पे सीओसीटी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऑफिस में बुला के मारपीट की। इनफैक्ट MD पश्चिमांचल का भी इसके मामले में लेटर आया है और ऐसा हुआ है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मैंने जांच कमेटी बैठा दी है, 48 घंटे के अंदर मुझे इसकी रिपोर्ट देगी जांच करके और इस जांच रिपोर्ट आने के बाद हम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। अच्छा, हमारा लखनऊ में है जी और हमारे जगह जगह जोन्स में जो है जोनल सेक्रेटरी नॉमिनेटेड है, मैं जोनल सेक्रेटरी गाजियाबाद हूँ। अच्छा, हम लोगों का विरोध इसी बात पे था कि जो हमारे अभियंता साथी के साथ अगर कोई भी हमारे अधिकारियों के बीच में डिस्प्यूट रहता है तो हम टेबल पे बैठ के बात करके उसको निपटा सकते हैं। एक गैंगस्टर की तरह, एक अपराधी की तरह एक सजा देना और इस तरीके से मारना, ये कहाँ का न्याय है? आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, खुद ही चोर बना दिया, खुद ही आपने पीट भी लिया और फिर आपने धमकी भी दे दी, अगर तुम बाहर जाके बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी में चरस रखवा दूंगा या तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। और लगातार ये धमकी वो 8 छोड़ने के बाद रात को 12 तक देते रहे। मतलब इस तरीके का कृत्य आप बताइए किसी अधिकारी से कैसे कोई अपेक्षित कर सकता है? कोई अधिकारी इस तरीके का बिहेवियर करेगा दूसरे अधिकारी के प्रति? जब वो अधिकारियों के लिए ऐसा बिहेवियर रख रहा है तो आम जनता के लिए आप सोच सकते हैं कैसा बिहेवियर होगा उसका? मतलब वो ऑफिसर कहलाने लायक ही नहीं है। आप बात करेंगे तो आप पाएंगे इस चीज़ को। अब कितने जिलों के लोग यहाँ आए थे आज DM साहब से मिलने? 14 जिलों की। अच्छा, DM साहब से क्या बात हुई आपकी? DM साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल ही गलत कार्रवाई थी, इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिले में। उन्होंने कहा है कि मैंने आने के बाद इतना सब कुछ किया, इतना इम्प्रूवमेंट किया और इस कृत्य से जो है उनकी छवि, उनके साथ कुछ हुआ ना हुआ लेकिन DM साहब की छवि भी धूमिल हुई, बल्कि इस कृत्य में उनका कोई भी योगदान नहीं है। वो इसके लिए घोर विरोधी हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त करके वापस किया है कि 48 घंटे के अंदर मैं जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा इस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।